ऐसे आवाज निकालो, आवाज निकालो, ऐसे करने लगो जी मुझे। अच्छी चीजें सुनो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1.5-2 महीने से हम खाली थे, कोई काम हमारे पास नहीं था, पर सौभाग्यवश रीसेंट कल परसों ही एक अचंभित करने वाला एक फोन आया, जिन्होंने कहा भाई एक एड वीडियो शूट करना है आपको UGC। तो मैंने अपने कलाकारों को, सह कलाकारों से पूछा, बात की कि भाई आ जाइए और एक वीडियो शूट कर लेते हैं, दो पैसा कमा ले भैया। हमारे पास यहाँ पर है, सबसे पहले आपका परिचय करा दें परीक्षित से। ये शाहिद कपूर जैसे दिखते हैं, शाहिद कपूर जैसे दिखते हैं, इनको शाहिद कपूर कहा भी जाता है काफी जगह। और ये हैं शिवी, इनको शाहिद कपूर जैसा पता नहीं क्यों नहीं कहते लोग, क्योंकि ये दिखती भी नहीं है। ये मैं बात कर लूं, मैं बोल लूं। तो डैनी डेंगजोंपा नहीं, इनका असल नाम जो है दिव्यांशु चौधरी है, मेरे मित्र, मेरे सह कलाकार, और थिएटर में जिस जैसी छवि इनकी है वैसी और किसी की नहीं है। मतलब उत्पात मचाने में सबसे आगे, पर बेहतरीन कलाकारों में से एक, जिनको मैं स्टेज पर देखना बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। कहते हैं जिसको कि अगर जैसे कोई इंसान एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग तो बहुत लोग करते हैं, पर किसी को अगर आपको स्टेज में देखने में मजा आए, जिसको कहते हैं आई कैंडी है वो बंदा, तो वही रूप, वही छवि लेकर दिव्यांशु चौधरी जी हमेशा तत्पर रहते हैं। बकेत बहुत बड़े हैं, परेशानियां काफी खड़ी करते हैं। अब ये तो है ही, भगवान कुछ देता है टैलेंट तो बाकी बहुत सारी खामियां भी देता है, सकता है। हाँ, अच्छा, क्रिस्टोफर नोलन का यहाँ पर फोन आ चुका है सर। नहीं, मैंने कैंसिल कर दिया नोलन का पिक्चर। लगा दिया जाए प्लीज, मिस्टर, मिस्टर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नए नए रंगकर्मी यहाँ पर, किसका आ गया, राजीव रानी का क्या? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अरे चौधरी वापस आई हो, वो राजा मौली सर मुझे कॉल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चौधरी किधर है। नहीं, जैसे आप रंगकर्मी हैं, थिएटर से हैं, कुछ तो अपने बारे में बताइए, आप बता दीजिए, मैं काट दूंगा। ये लड़का है कितना स्मार्ट यार, सच में खूबसूरत। हंसियो छिछे हट। तो थोड़ी देर के लिए व्लॉग मैंने संभाला है, हमारे पीकू भैया गिटार बजाने वाले हैं। आजा। तो हम लोग फिलहाल एक लोकेशन देखने जा रहे हैं, मेरे घर के पड़ोस में पंकज भैया रहते हैं, उनके यहाँ शूट करेंगे, क्योंकि मेरे घर का मतलब काफी शूट हो चुके हैं, मेरे घर पे बहुत सारे वीडियो शूट हो चुके हैं ऐसे, तो लोकेशन काफी सिमिलर हो जाती है बार बार। तो हम इस वाले घर में शूट करेंगे जिसका कलर वगैरह सब कुछ बहुत सही है, घर भी काफी ब्यूटीफुल है, कलर्स वगैरह सब कुछ, तो यहाँ कहीं शूट करेंगे। बारिश ने थोड़ा सा रोक रखा है मामला, पर देख लेंगे, संभाल लेंगे शाहिद कपूर के साथ। मेरा इतना लाइफ सफल कर दिया सर आपने, सच में सर, इतना मेरे को अच्छा लग रहा है आज शाहिद के साथ। नहीं, कोई नहीं, मैं आपके साथ ही रहने वाला हूँ, हाइट में भी छोटा है ना। टीम मेरे साथ यहाँ पर आते हुए हम जगह पर पहुंच रहे हैं शूट के लिए। तो पतला हो गया रे। सर आप क्या मैन वर्सेस वाइल्ड करके सीधा सूट पहन के इधर ही आ गए, पर आपके जूते आपने चेंज नहीं किए, वो आप जूते प्लीज चेंज कर लीजिए प्लीज। पंकज भैया का घर है, अपने भाई का ही घर है, वो है नहीं घर पर अभी, तारा लगा हुआ है, पर हम लोग यहीं पे शूट करने वाले। तो सिनेरियो कुछ ऐसा है कि लड़की देखने वाले आए और ये हैं लड़की देखने वाले, लड़की के घर में ही लड़का तैयार हो रहा है। हल्का फुल्का बुखार तो पहले ही है, बारिश की टिप टिप भी है, और मैं पोर्च के बाहर खड़ा रहूंगा जब शूट करूंगा, वो दोनों पोर्च के अंदर रहेंगे, लड़का लड़की बात कर रहे हैं आपस में, जो फैमिली टाइम बाद में, मतलब जब फैमिलीज मिलती हैं तो लड़का लड़की को टाइम देते हैं ना अलग से, कि भाई तुम अलग से बात कर लो, कि कितनी पढ़ा, कहाँ तक पढ़े हो, क्या किया है, मारोगी तो नहीं शादी के बाद मुझे। एक्शन। लुक, हाँ हराम कोर तेरा था।
तो हमारा शूट निपट चुका है। लड़की ने देखो जैसे स्वेटर अभी अभी पहनी है ठंड में, जो ही चावला कर गई थी, और लड़के को हमने कॉफी की जगह पानी दिया था जो कि गंदा था, दो तीन बार पी भी लिया भाई ने, पर कोई रिग्रेट नहीं है, कोई गुस्सा वुस्सा बिल्कुल नहीं करते ये सर है हमारे, और कुछ कुछ टाइम में कार भी लेने वाले, मतलब पन बहुत है पर ले नहीं पा रहे क्योंकि प्रोफेशन से एक्टर है। वापसी डाल रहे हैं हम शाहिद कपूर, दिव्यांश चौधरी जी यहाँ पर लैबरा ढूंढते हुए, यहाँ पर एक लैबरा है बहुत प्यारा, पर उसको अंदर बंद कर दिया है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अब हो गया, सबके फोन खुलवा के दिखा भाई, 400 हो गए। ये क्या है आपके हाथ में? पापा को बता दो प्लीज, मैं बता रहा हूँ पापा को, सड़ा सा मुंह मत बना समझी। चाय बनाना शुरू कर दिया है चौधरी साहब, वापस अपने अवतार में आ गए। बारिश हो रही है लगातार टपाटप टपाटप, तो कुछ भी करने का मन नहीं है, कुछ भी मतलब पड़े रहने वाला मौसम है, नहीं रजाई में घुस जाओ, समोसे जलेबी चाय ये सब आता रहे, लाश बन के लेटो, पर हाँ मूवी वाला मौसम जरूर है आज की, मूवी देखी जाए यार। एक शो है कौन सा, क्या नाम है चौथी शो का जिसमें झाकरी होता है एक, देखा था ना वो पूरा देखा है, लास्ट आवर था शायद, हाँ एक वेब सीरीज है लास्ट आवर, द लास्ट आवर, ये अमेज़न प्राइम पे, अमेज़न प्राइम पे मिलेगी, उसको देखना तो उसका जो लीड है ऐसा ही दिखता है वो सेम टू सेम। अरे फोर भैया थोड़े बाकी कब से छोटे हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली में आपको ये अचंभे देखने को मिलते हैं, चार घर के पांचवा है वो धुलने के लिए रखा हुआ है, तो ये बीच में आ गए, और चौधरी कोई वीआईपी तो है नहीं कि इनके लिए हम कप के नीचे वो अलग से चीनी मिट्टी की प्लेट भी देंगे, पी लेंगे चाय यार। एक बात मुझे आपसे कहनी है कि आज का दिन इतना ही इतना ज्यादा रहा पर फिर भी हमने एनर्जी मरने नहीं दिया, हमने काम किया है, आज हमने शुरू किया है, जबकि इतना डेड दिन है ना आज का, वाइब ही नहीं थी दिन में कुछ, मतलब पूरा दिन ही ये गैस देती है अचानक से बुझ जाती है, अगर आप इसको कम करोगे ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली में जो है आपको ये सब देखने को मिलता है, मेरे घर में भी, तो आज का दिन ही ऐसा था कि वो आपको वाइब ही नहीं देगा कुछ की कुछ काम कर लो, सुबह दिन ही ऐसा कह रहा था कि अरे आप तो उठ गए, उठना नहीं था आज, चाय में कलर बहुत यू नो बेहतरीन आ रहा है जिस तरीके से इसको बनाया गया, कहीं गिर ना जाए, बस लास्ट में हल्दोनी में आया था, उसके बाद मैं अभी परसों ही ना आया, मतलब मुझे 1.5 हफ्ते हो गए थे बिना आया। ये मैंने शूट किया चौधरी, मैंने तुझे बताया नहीं, मैं बीमार था भाई इसीलिए। अच्छा बीमार था, ये नहीं डालूंगा ना मैं वीडियो में, मैं सिर्फ इतना डालूंगा, उसने बोला 1.5-2 हफ्ते से नहीं आया, गिरा दो क्या। और दिन शाम को रात देर से होती थी, आज अंधेरा भी जल्दी हो गया, एकदम कड़क कलर आया है यहाँ पर चाय का, मेरे पिताजी को ये चाय पसंद नहीं है, उनको पसंद है बिल्कुल दूध वाली चाय सफेद सफेद, तो मुझे पसंद है ऐसी कड़क सी ब्राउन दिखने वाली जिसमें चाय पत्ती का कलर आया। क्या बोल रहे थे पापा? मैं कह खिचड़ी, बीरल की खिचड़ी कब तक बनेगी? पापा क्या कह रहे थे? पापा कह रहे थे कि लड़कों की यारी और गधे की सवारी एक जैसी होती है। एक इसकी चाय अलग से है। क्या हुई है साला नहीं
मेरी माँ कह रही है कि क्या सजा मिली हुई है कि चाय पीते हुए भी दिखाना पड़ रहा है। कुछ तो पागल भी कहते हैं हमें कुछ लोग ना। तो चौधरी साहब निकल रहे हैं, अपना सूट यहीं छोड़ के जा रहे हैं ये, कि बाहर बारिश हो रही है। ओके देन बाय बाय, वालेकुम अस्सलाम। ओके देन बाय बाय। फिलहाल पहले ये करते हैं कि चाचे मामे ताए फूफे जितने भी हैं, वीडियो यहीं तक था, यहाँ से आप स्किप कर सकते हैं पार्ट, क्योंकि अभी हम हमारे जैसे लोगों की के साथ बात करना चाह रहे हैं। तो ये आज हम काफ़ी परेशान थे, ऐसा लग रहा था कि यार आज तो वीडियो में कुछ किया ही नहीं, कभी कभार वाइब आपकी किल हो जाती है। आज मौसम भी कुछ ऐसा रहा कि एंड आई वॉन्टेड टू बी क्रिएटिव, और ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिनको लगता है कि यार आई एम नॉट दैट क्रिएटिव, या फिर आज कुछ क्रिएटिविटी नहीं कर पाए, जो अपना साहस खो बैठते हैं कि वी आर नॉट दैट क्रिएटिव, उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव काम करने की कोशिशें करने के बाद भी आज मैं एग्जॉस्टेड हूँ, ऑनेस्ट ना, मतलब अपने व्लॉग के साथ और मैं कितना जस्टिस कर सकता हूँ। लोग अपना ब्लॉग लिखते हैं, ये व्लॉग है, ब्लॉग में आप बिल्कुल ऑनेस्ट होते हो कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं किसको कितना पसंद करता हूँ, किसे ना पसंद करता हूँ, सब आप लिखते हो। तो ये व्लॉग है, मैं 90% ऑनेस्ट होने की कोशिश करता हूँ हमेशा। तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनको लगता है कि यार क्रिएटिविटी एक दिन आ जाएगी, या फिर आज नहीं है मेरे पास, या फिर मैं तो हूँ ही नहीं। मैंने किसी का पोस्ट ही देखा था इंस्टाग्राम पे, इसमें बहुत खूबसूरत बात लिखी हुई थी कि क्रिएटिविटी इज अ मसल दैट यू कैन ट्रेन। ऐसा नहीं कि कोई जन्मजात पैदाइशी क्रिएटिव होता है, आप क्रिएटिविटी को ट्रेन कर सकते हो, जैसे आप मसल ट्रेन कर सकते हो। आज बारिश सुबह से हो रही थी, अंधियारा मौसम, बड़ी सैड सैड वाइब्स थी, और किचन में खाना बनाते बनाते मेरे पिताजी ने मुझसे बोला कि क्या कर रहे हो यार तुम अब। तो मैंने उनसे कुछ बातें साझा करी। पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि 40 से जो 400 सब्सक्राइबर्स हुए हैं, पता नहीं कहाँ से लोग आ गए देखने पर, 400 हो गए। तो पिताजी से मैंने कहा कि यार पापा 399 थे और आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा था, तो 400 हो चुके हैं। उनसे कहा कि दिल लगा के कर रहे हैं यूट्यूब, तो खुश हुए। बहरहाल तो यार जो लोग थक रहे हैं कुछ क्रिएटिव काम करते करते, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, वो ब्रेक्स की जो मैंने बात की थी कि दिमाग भी कभी कभी रेस्ट मांगता है, वो चाहता है आपसे रेस्ट। लाइफ में पहली बार कंटिन्यूस काम कर रहा हूँ किसी चीज़ के लिए, पहले कभी नहीं किया था इतना ज़्यादा कंटिन्यूस, मतलब 9 to 5 जॉब बेहतर है। इतना ही है, मेहनत करते रहेंगे, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी, अब तो होंगी होती रहेंगी। चलो इस वीडियो को थोड़ा खूबसूरत बनाते हैं। एक पहेली है जी, ठीक है, कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप पानी के अंदर खाते हो? इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं इसका जवाब आपको कल बताऊंगा। ठीक है, गुड नाइट।